भाइयों आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर पिजन केयर में। गाइज़ मैं आ गया हूँ भोगल और आसपास का व्यूज़ दिखा रहा हूँ, एक दिखाता हूँ यहाँ पर नेहरू स्टेडियम है पास में, ये देख लो। और शौक भी बहुत अच्छे लेवल का होने वाला है, लाजवाब होने वाला है और मज़ा आ जाएगा। और जैसे कि आप सभी देखते हैं, जैसे कि आप सभी पूरा पूरा टाइम देख के बिना स्किप किए वीडियो देखते हैं, सामने ये भाई का सेटअप है। तो मिलवाता हूँ भाई विनोद भाई से, जिन्होंने ये शौक किया हुआ लाजवाब लेवल पर किया, एक कप भी उड़ाया उन्होंने कि, तो उस कप के बारे में भी जानेंगे, जोड़ों के बारे में जानेंगे और कब से शौक, कैसा शौक, कहां से लगा, कैसे लगा, वो सब जोड़े देखते हुए बात करते हुए चलेंगे। देखते हैं भाई के जोड़े और मिलवाता हूं मैं भाई विनोद से और उनके मित्र महेश भाई से। ठीक है जी, शौक स्टार्ट करता हूं, बात करते हैं उनसे। तो भाइयों शुरुआत कर दी है आपकी मैंने भाई से। ये हमारे विनोद भाई हैं जो कि बहुत ही अच्छे लेवल पर शौक करते हैं और जुनून जो है इनका शौक का वो लाजवाब है। तो विनोद भाई आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर पिजन केयर में। और भाई आप अपने शौक के बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर शौक आपके कबूतरों को कराते हैं लोगों से। अच्छा, पहले हम धोबी घाट का कबूतर पालते थे। अच्छा, पहले हम धोबी घाट का कबूतर पालते थे, फिर उसके बाद ही मैंने इनसे दोस्त हुई भाई महेश भाई का। महेश भाई से दोस्त हुई, फिर धीरे धीरे इनसे दोस्ती बढ़ती रही हमारी। फिर हमारा एक तमन्ना थी कि अपना कपड़ा नहीं, फिर हमने कहा हमारे दोस्त है लाली भाई, उन्होंने हमारे छः पट्ठों का ही शौक करवाया था। मतलब वो हमारे सुबह 5:30 बजे के उड़े हुए कबूतर, हमने 3 बजे के 3:24 मतलब अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से, ठीक है। तो ये शौक तो आपके जुनून का है कि आपने शौक किसी भी तरह कर लिया, 6 बच्चे उड़ाए। तो 3:20 तक उड़े वो, 3:24 तक। और उतारने का कारण, जबकि आप बता रहे थे मुझे जब मैं यहाँ बैठा हुआ था कि 7 ही बंदे रह गए थे और 6 के 6 पूरे चल रहे थे, तो नीचे उतारने का महेश बाबू क्या काम कारण रहा होगा? यही है कि थोड़ा जो आप अपनी जो ये लोकेशन है और भी कबूतर आ जाए, सबको ये लगता था कि जैसे कि हम कबूतर उड़ा ही नहीं पाएंगे या खाली चिड़ीबाजी चल रही है, चिड़ी मारी करते हैं या झंडी दिखाते हैं। तो बस यही मकसद था कि अपना कि हम भी आसपास के लोगों को ये बताया जा सके कि हमने भी कुछ रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज वही शौक मैं सबके सामने लाने वाला हूँ। और भाई मेरी टीम में आपका भी स्वागत है महेश बाबू, जैसे हमने विनोद का किया आपका भी स्वागत है। और भाई मेरे आप सब्सक्राइबर हो, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी होती है कि किसी ऐसे बंदे के घर जाना जिसने पहले से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा। तो भाई प्लीज़ जितने भी भाई मेरे चैनल पर नए आते हैं जो मेरे शौक को देखते हैं, अगर मेरा कहा और मेरा दिखाया आपको अच्छा लगता है तो जाने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दिल करे तो शेयर भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती है। तो स्टार्ट करते हैं भाई आपके जोड़ों का, जहाँ से आपके जोड़े मशहूर हैं या आप मशहूर हो रहे हो। ठीक है जी, तो जी चैनल को लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स महेश बाबू, आइए जोड़े दिखाते हैं। तो भाई शुरुआत कर दिए काले पिलखे से, और ये आप यकीन करना ये जो जोड़ा है ये उस्ताद चौहान जी का नर है और ये घर की माजन है भाई की। तो विनोद भाई आपका जो ये शौक है बहुत अच्छे लेवल पे है, इनके बच्चे उड़े? हाँ जी, बहुत तगड़े अच्छे बच्चे उड़े इनका। इसका एक बच्चा उड़ाया मारिन का, हाँ इसका एक बच्चा उड़ाया जी, बहुत तगड़ा जो मतलब कि वो 10.5 घंटे करीब बैठा है। ठीक है, तो चलो पहले मादिन की आंखों का शौक कराते। लाजवाब आंखें भाई, बहुत ही खूबसूरत मादिन है, चेहरा मोरा भी बहुत अच्छा है। और आपको इसको करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखो इसकी आंखें भाई, दिल बहरा है और खूबसूरत आंखें। और इन आंखों में अब तो यार लोगों ने ऐसी ऐसी नस्लें बना ली है कि हर आंख उड़ती हुई दिखाई जा रही है, हर आंख शाम तक बिठाई जा रही है। तो आंखों में ना जाएं आप, अपनी नस्ल को पहचानें। ये इसकी दूसरी आंख मकोई है पीले डोरों में, यहाँ इसकी आंखें पलके चमक रही हैं कि पीली है। तो विनोद भाई इसके ना मुझे पंजों का शौक कराओ। और ये देख लो भाई पंजे इस पिलखन मादिन के, काली पिलखन मादिन है और ये घर की मादिन की। और रिजल्ट बहुत अच्छा है, मैंने देखे 4-5 बच्चे हैं, एक आध बच्चे का जरूर शौक कराऊँगा बीच में। ठीक है महेश भाई, याद दिला देना, इसका नर दिखाओ। तो ये देखो भाई नर आ गया है, नर जो है ना तोते से फेस का है, छोटा सा नीचे को मुड़ा हुआ और आंखें आप नोटिस कर सकते हो वाइट पलकों में नर है और पलके भी बहुत लाजवाब है। तो आपको देखने का जो शौक है वो ज़रूर देख के पूरा करें भाई इस कबूतर के साथ। ये भी पिलखा है, सामने से दिखा दो भाई, ये हम इसका सामने से बॉडी स्ट्रक्चर दिखा रहे थे, ये देख लो कबूतर आप, लाजवाब बहुत ही खूबसूरत। तो ये भाई महेश भाई अपने लाली भाई के घर से आया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे खास मित्र हैं लाली भाई, उनके यहाँ से आया है। तो जोड़े का रिजल्ट तो आपने मुझे शुरू में बताया था, चलिए नेक्स्ट जोड़े पे आते हैं भाई जो लाजवाब होगा और इससे अच्छा होगा। और भाई लाजवाब पिलखों का एक और देख लो, चांदनी मादिन है मकोईसी और चुटियल अनारा, मेरे ख्याल से 2 आंखें इसकी, ताका बोल सकते हैं आप इसको।
और भाई क्या लेवल है यार इसके जोड़े का ना, लोग ऐसे मतलब रंगीन कबूतर बहुत पसंद करते हैं और वो ख़ास तौर पे जो उड़ने वाले हों, तो पहले मादिन का ही शौक कराते हैं। और ये मादिन का शौक कर लो भाई, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब भाई कोई मादिन है। और आप यकीन करना, ये देखो फेस देखो आप इसका कितना खूबसूरत है। तो भाई अगर आपके शौक में आ रही है तो कमेंट्स करके बताना कि ये जोड़ा आपको कैसा लगा। ये देख लो मादिन। और महेश भाई आप बता रहे थे कुछ, वीडियो रोक ली थी हमने इसके बारे में। अनिल भाई इस जोड़े की ना जितनी तारीफ करी पंजे दिखा दो। तो भाई ये स्टार्ट कर दिया पंजों का शौक कराना, और भाई बता रहे थे कि जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। ऐसा भाई बात करते करते हम किसी वजह से रुक गए थे। तो महेश भाई बता रहे थे आप बच्चों के बारे में इसके। अनिल भाई आप ना विश्वास करना इस जोड़े का, इस जोड़े का ना ची ची करता हुआ बच्चा भी अगर जाल पे बैठ जाए ना तो कहीं से कहीं मान नहीं खाता, और 10-10 दिन तक भी ना वापसी है घर, मतलब 11वें दिन उम्मीद छोड़ी जा सकती है। हाँ बस ऐसा कह सकते हो, लेकिन बच्चे की वापसी बहुत पक्की है। और ये देख लो इसके पर भाई, इन्होंने जोड़े के लिए हिसाब से कैच कर रखी है। दुआज पिलखन मादिन है, दुआज चांदनी बोल लो आप। ये देखो इसके पर भाई, वाह बहुत ही लाजवाब। तो दिखाता हूँ इसका नर। भाइयों इस कबूतर का शौक करते करते एक आपको रोचक तथ्य बताने वाला हूँ, और लाजवाब भाई आप अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी और इस बात को सुना तो आप यकीन मानो विनोद भाई को आप कभी नहीं भूलोगे। ये इस पहले इसकी आँख का शौक कर लो, ये पीली और गुलाबी डोरे हैं, उड़ने के बाद ये गुलाबी हो जाएगी। और ये ताखा कबूतर है, ये भी चांदना ही है। और ये देख लो मकोया। तो आप विनोद भाई ज़रा सामने आ जाओ। विनोद भाई अभी बातों बातों में पता चला कि आपका एक निकनेम है, आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ वो निकनेम क्या है। वैसा बिल्ली है। बिल्ली क्यों कहते हैं आपको? वैसा मैं पैदा हुआ था, छोटा सा हुआ था, मतलब आप हाथों के सहारे से बताओ एक बार। जैसे इतना सा पैदा हुआ था। ये देखो इतना सा हुआ था जी, मेरी नानी ने मेरा नाम बिन्नी रखा, बिन्नी रखा, बिन्नी। तो जी बिन्नी तो ज्यादा मशहूर तो हुआ नहीं, लोगों ने काट काट के बिल्ली कर दिया, बिल्ली नाम कर दिया। तो भाई आप मिल रहे हो विनोद और बिल्ली से। फिर मैंने कबूतरबाजी में आया, फिर मैंने अपना कबूतरबाजी में अपना नाम कर दिया विनोद बिल्ली भोगल से, विनोद और बिल्ली भोगल है ना। तो भाई आप देख लो ये कितना मासूम चेहरा है। उसमें से उसका भी रीजन है, बहुत से जो मुझे बिल्ली के नाम से जाते हैं पूरी भोगल। अच्छा, विनोद के नाम पे बहुत कम जाते हैं। फिर मैंने अपना नाम ही पूरा चेंज कर दिया, विनोद भोगल और विनोद बिल्ली भोगल से कर दिया जी। अब तो जी मेरा इस नाम से कबूतरबाजी में नाम चेंज करा हमने, अब तो भूल बनने जाना। और भाई एक और बात बताना चाहूँगा विनोद और बिल्ली भाई के बारे में, ये बहुत अच्छे कॉमेडियन है। अगर आप एक घंटे बैठ जाओ तो आपका समय कहाँ गया यूँ चुटकियों में पता नहीं चलेगा। तो भाई ये जोड़ा जो आप देख रहे हो पिलखों का चांदनों का, सुना ये बच्चा भी भाग गया था? हाँ जी भी भाग गया था, ये तो भी आता है 11-12 में नहीं आता। तो चलो फिर आपके ये शौक तो आज लाजवाब होने वाला। बिन्नी भाई मेरा मन नहीं कर रहा है कि आपके चेहरे से फ़ोन हटा लूँ या कैमरा हटा लूँ, आपसे सुनते रहेंगे आज जो वीडियो बन के तैयार होगी, उसमें मज़ा भी होगा, दम भी होगा, मसाला भी होगा। तो नेक्स्ट बार देखते हैं चलो। और आप भाई ये देखो फेमस कलर, मतलब टटीरे बोलते हैं, आज हर छत पे टटीरों का एक चलन है और उड़ान भी है भाई। देखो आप बिल्लुस्ताद के टटीरे देख लो, या फिर वज़ीरपुर में हमारे वो राजवीर भाई हैं उनके टटीरे देख लो, तो नाम करके बैठे हैं टटीरे। तो शौक करवाता हूँ पहले आपको, बरकर नर बहुत ही लाजवाब लेवल का है। और ये हमारे बिल्ली भाई, विनोद कहना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, बिल्ली वोफ विनोद कहेंगे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और विनोद भाई की जो बचपन की कहानियाँ हैं वो धीरे धीरे सुनेंगे, जैसा कि अभी आपने सुना भाई नर का शौक करता है। और आप ये देख लो भाई क्या ही नर है, गादली सी आंखें हैं नारंगी सी, और ये भी गुलाबी डोरों में है, बस जोड़ों में आने के बाद हल्की पड़ गई हैं, चेहरा मोरा ब्लैक चौच, ये देख लो सामने से। और भाई इस छत पे हर कबूतर उड़ाकर चेक करके देखा गया सामने से बॉडी स्ट्रक्चर, इसके पंजे दिखाता हूं मैं। और ये देख लो इसके पंजे और पूंछ लंगोट तक सफ़ेद है इसकी, ये देख लो आप, ठीक है जी। तो आते हैं नेक्स्ट पेयर पे, नेक्स्ट मादिन देखते हैं इसकी। वही वाह क्या आइस क्वालिटी है इसकी, वही वाह लाजवाब। तो महेश भाई ये भी अपने घर की ब्रीड लाइन है या कहीं से आई थी? ये एक हमारे दोस्त हैं जी, नाम मुकेश भाई, मुकेश श्रीनिवासपुरी से, श्रीनिवासपुरी से, ये उनके यहाँ की नस्ल है। अच्छा, तो ये आप देख लो भाई छपी हुई टटीरी है, ये सामने से इसका बॉडी स्ट्रक्चर। बिल्ली भाई थोड़ा सा ना आप, हाँ बस, और आप इसके जरा पंजे दिखा दो, ये इसके पंजे। और भाई चलते चलते क्या दिखाते दिखाते मैं आप भाई, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, नाम नहीं लूँगा लेकिन वो हर वीडियो देखने के बाद कहते हैं इनमें उड़ान कितनी होगी। तो मैं उनको कहना चाहूँगा, ये पंजे देखते रहें आप, कि भाई मुझे उड़ान के बारे में नहीं पता, मेरे को सिर्फ वीडियो बनाने के बारे में पता, और आपको शौक दिखाने से मतलब होता है मेरा। हर कबूतरबाज अपनी छत पर उड़ने वाली चीज़ें रखता है और वो उड़ते ही होंगे यार, चाहे घंटा या 10 घंटा, वो उनकी उड़ान है,
मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो भाई आप मेरी चैनल पर आके सिर्फ शौक कीजिए, आप अपना उसमें अच्छा बुरा निकालिए कि इसके उड़ेंगे नहीं उड़ेंगे, या आप अपने आप डिसाइड कीजिए। तो दिखाता हूँ नेक्स्ट पेयर, और ये देखो भाई लाल का जोड़ा, भाई नर वाकई सुपर डुपर क्वालिटी का। बिन्नी भाई क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? भाई साहब इस कबूतर के जो बच्चे हैं मतलब बहुत अच्छे उड़ते हैं, मतलब कई तरह के बच्चे निकालता है, सैंधे निकालता है, लाल निकालता है, पीले निकालता है। पीले भी देखे मैंने अभी, पीली मादी देखी, पीली पट्टी भी है, लाल भी है, और इसके एक सुर की पट्टी है। बहुत अच्छे बच्चे जी, मतलब रिजल्ट भी इनका अच्छा है इन कबूतरों का। तो पहले क्या नर का या मादी का करवाते हैं? ठीक है, तो भाई देख रहे हो गुलाबी और पीली डोरों में, गुलाबी कह लो आप इसे, गुलाबी डोरों में ये लाल कबूतर बहुत ही रेयर होते हैं कि भाई बहुत कम छतों में हमने सुना है लाल उड़ते हुए, लेकिन ये उड़ते भी हैं और अपना रंग ढंग सब दिखाते हैं कि भाई हमारे कलर पे ना जाओ, हमारी उड़ान पे आ जाओ। तो ये इसकी आंखें हैं खरगोशी टाइप की, इसमें आपको लेयर दिख रहा होगा। ठीक है जी, सामने से दिखाता हूँ, क्या कबूतर है। तो बिल्ली भाई एक बात बताएं आप, ये अपने घर का बच्चा है? भाई साहब ये हमारा घर का बच्चा है, जो इसके जो माँ बाप थे ये मदनपुर खादर से आए थे, बिट्टू भाई के नाम से। बिट्टू भाई मदनपुर खादर में खादर से, खादर से आए थे जी, मतलब कि उनसे काफ़ी टाइम से हमारी यार दोस्ती है। तो उनके बारे में हम एक बारे उनके कबूतर बड़ा दीवाना है, ये मैंने चले उन पर एक लाल दावड़ा दे दो जी मुझे। फिर उन्होंने एक कबूतरी पकड़ी थी हरी मकई, तो वो किसी शौकीन कबूतर बात की थी, उन्होंने ये हमें वो मादिन भी दे दी, ये हमने उसके बच्चे लिए दो। जिसमें से एक ही है? नहीं नहीं ये नहीं है, वो एक उसका बड़ा भाई है, इससे भी इसका बड़ा भाई है। वो पहला बच्चा थे हमारा हरिद्वार निकला था, और उसके साथ थी जी पीली पीली पट्टी निकली थी, और दूसरे बार के बच्चे थे जी ये जी। अच्छा चलो आप बताते बताते इसके पंजों का शौक कराओ, आप इसके पंजों का शौक करवा रहे हैं। ये लास्ट कबूतर ये डर है, इसका ही शौक चल रहा है आजकल। चलो नेक्स्ट, आप ये देख सकते हो भाई लंबे चेहरे में खट्टी पीली आँखें हैं इसकी, और बहुत ही लाजवाब होती हैं आँखें। और आजकल जो शौक हो गया है अच्छी आँखें बनाना, मकोई आँखें बनाना, खरगोशी आँखें बनाना, और इन कबूतरों की वैल्यू ख़त्म होते जा रही है। तो भाई ऐसा ना करें, ये भी उड़ते हैं और उड़ाने वाला होना चाहिए। देख लो इसकी आँखों का शौक कीजिए आप, और सामने से बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही पतली सी, ये जो है ना वी शेप इसका बहुत ही पतला सा है। ठीक है जी, और ये बहुत ही प्यारी मादिन है, इसके पंजों का शौक कराओ। और ये लाल मैदुम मादिन है, ये आप देख सकते हो पूँछ शौक करा रहे हैं हमारे बिल्ली भाई गोगल से। नेक्स्ट पेयर देख, ये देखो भाई क्या ही कबूतर है, लाजवाब कबूतर, लाजवाब कलर और लाजवाब उड़ान के मालिक। और आपको ये दिखाता हूँ नर, ये देखो क्या कबूतर है, ये देखो मादे। तो स्टार्ट करता हूँ पहले नर का शौक करा कर। भाई वाह बिल्ली भाई मज़ा आ गया, इसका भी कोई नाम रखना था आपने, क्या कबूतर है यार। ये सर्कल देखो यार, क्या मतलब आसमान में जब तारे टिमटिमाते हैं ना और उसकी रोशनी फैलती है चारों तरफ, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है भाई मुझे इसको देखते वक्त। आप भी बताना अपनी फीलिंग के बारे में। क्या कबूतर है यार, मज़ा आ गया, टू गुड यार, मन नहीं कर रहा कि यहाँ से कैमरे के लेंस को हटा लिया जाए। ये सामने से बॉडी, सामने से नक्शस का, ये सामने से बीच है, पूरा सेटअप देख लो। इसकी बैठक मैं लास्ट में दिखा दूँगा सबकी, बहुत ही लाजवाब बैठक का, इसके पंजे दिखा दूँगा। और ये देखो भाई पंजे, क्या पंजे हैं, काले काले पंजे। चलते हैं मादिन का शौक कर, मादिन का शौक कर रहे हो भाई। ये थोड़ी सी नाक के पास से एक दुर्घटना हो गई थी, मर के बच्चे कबूतरी बताया जाता है मुझको। तो ये देख लो मादिन का कलर बहुत अच्छा, काली जीरी सी मादिन है, ये देखो क्या ही मादिन है, आँखें देखो यार क्रोकोडाइल, क्या लाजवाब आँखें। तो भाई बता रहे थे कि इसको नेवला खा गया था, नेवला ने चोंच काट दी थी, फिर आप लोगों ने मेहनत करके बचा लिया, बचा लिया। सामने से बॉडी स्ट्रक्चर और इसके देखेंगे पंजे, और ये देख लो भाई पंजे, थोड़ा सा जूम करके चलते हैं पंजों में और कुछ नज़र आ जाए, इसकी लकीरों में कुछ दिख जाए हमारे शौक का। और भाई बहुत से लोग पंजों से, चेहरे से, आँखों से पता कर लेते हैं कि ये कबूतर कैसा है, क्या उड़ान होगी। तो आते हैं, नर दिखाया हमने इसका, नर दिखा दिया, नेक्स्ट पेयर पे। और भाई ये देख लो एक मद्रासी कबूतर, काला अनारा और लंबे टेपरदार चेहरा, भाई मादिन भी कम नहीं है, तो दोनों एक जैसे कबूतर हैं। तो पहले मैं कराऊँगा नर का शौक, और आप यकीन करना बहुत ही लेवल पे जाकर कबूतर का शौक होगा ये वाला। बीच में दिखाने का कारण यह है कि भाई आप स्किप ना करो और इसे देखने के लिए वहाँ तक चले आओ, तो प्लीज़ बने रहना पूरी वीडियो देखना, आपको शौक कराने के लिए कहीं भी चला जाता हूँ अपनी छुट्टी ख़त्म करके। तो भाई बने रहें और देखें इस काले का शौक, बहुत ही लाजवाब है। वही वाह,
क्या पलके हैं, क्या आंखें हैं, और अंदर चलते हैं भाई, इसके समुद्र में घूमते हैं, देखते हैं हमारे लाइक इसमें क्या है, मज़ा आ जाएगा भाई, मज़ा आ गया यार, दिखाता हूँ अंदर चल, देख लो भाइयों क्या आंखें हैं यार, क्या आंखें हैं, आप देखो इसका स्लेटी कलर देखो, जो मूव कर रहा है चारों तरफ आँखों में, भाई वाह। तो महेश भाई ये घर की ब्रीड है या आया कहीं से, दिखा दो, छोड़ो, ये लेके आए थे हम किसी से ना शॉप के लिए कबूतर, और इस कबूतर के बारे में क्या बताऊँ आपको, जवाब ही नहीं है इस कबूतर का, इसके बच्चों का जवाब नहीं है, इतनी उड़ान है इसके बच्चों में कि क्या ही बोलूँ बस। तो ये देख रहे हो आप, वो भाई अनारा कबूतर, बहुत ही मोटे नाकड़े का, बहुत ही लंबे चेहरे का, ये देखो छोटी सी बॉडी है, आप गोला समझने की या पटियाला समझने की गलती ना करें, कि बदन बता देता है कि वो क्या चीज़ रखता है। तो मैं आप दिखाता हूँ इसके पंजा को, तो ये देख लो भाई इसके पंजे, सफ़ेद लंगूट का कबूतर है, काले टटीरे भी बना सकता है, तो आप देख रहे हो नर, और आपको दिखाता हूँ इसकी मादिन, वो भी लाजवाब लेवल की है, क्या मादिन है, क्या नारापन है अंदर यार इसके, आप देखो यार, वही वाह, ऐसा लग रहा है जैसे सफ़ेद पत्थर पर हल्की हल्की लाल मिर्चें गिरी हों, आप देखो यार, और करीब चलते हैं इसके, भाई वाह लाजवाब, खूबसूरत। तो मेरे दोस्तों भाई बताना ये आपको ब्लैक पेयर कैसा लगा, मादिन सामने से ये देख लो इसकी आंखें, बाहर लेंस निकला हुआ है, सामने से इसका बॉडी स्ट्रक्चर देख लो, ये भाई वाह, पंजे दिखा दो भाई, और ये आपका जो शौक चल रहा है वो बिल्ली भाई भोगल वालों के यहाँ से चल रहा है, और बताना भाई कमेंट्स करके, क्योंकि ये भी सब्सक्राइबर है तो कमेंट्स से भी पढ़ेंगे, तो बताना आपको ये पेयर आपको कैसा लगा, या ऑलमोस्ट जो हम दिखा रहे हैं वो पेयर आपको कैसे लगे। तो ये हमारे महेश भाई आ गए एक जोड़ा लेके, बता रहे थे कि इनका फेवरेट कबूतर है, महेश भाई क्या एज रही होगी इसकी? अनिल भाई ये जो नारा है इसकी उम्र कम से कम 18 से 19 साल होगी। हाँ वो तो उसका चेहरा ही बता रहा है, ब्रीडिंग कर रहा है। अच्छा ये इसकी कॉल देखो, ये यहीं घुटक रहा हाथ में कर रहा होगा भाई, ये बॉडी लैंग्वेज में बहुत बड़ा है, लेकिन यही मद्रासियों का साइज हुआ करता था किसी टाइम पे, तो पहले नर का ही शौक करता है महेश भाई। देख लो भाई इसकी आंखों में जो ग्रीननेस है, जो फैली हुई है एक उजाले की तरह, आप इसकी आंखों का शौक करो, क्या ही कबूतर है यार लाजवाब, वाकई यार 18-19 का होगा वो, और आपका बदन देखो इसका, ऐसे ही रखो सामने से, हाँ ये देखो क्या कबूतर है। तो महेश भाई आपने उड़ाए इनके कबूतर बच्चे? जी भाई बिल्कुल, देखो ये अभी शौक भी कराएंगे इनके बच्चों का ना आपको, पंजे दिखा दो भाई, और आप ये देख लो ब्रीडिंग पेयर है भाई, सेंधा कबूतर है, और यही साइज़ हुआ करता था किसी टाइम में मद्रासियों का, जैसे कि हमने पुराने उस्तादों से सुना है। तो इसकी मादिन दिखाता हूँ, लाजवाब था भाई, खूबसूरत था और अच्छा था, तो आप मादिन देख, और आप ये देख लो भाई जीरी मादिन है, बहुत ही लंबा चेहरा भाई, बहुत ही खूबसूरत, ये देखो बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारी, सामने से बॉडी स्ट्रक्चर दिखाता हूँ उसका आपका, ये देखो हल्की सी हड्डी है, और आप यकीन करना इसके बच्चे तो उड़ेंगे उड़ेंगे, क्योंकि जो अच्छा खिलाड़ी होगा इसे देखते ही बता देगा कि क्या ही चीज़ लेके बैठे हैं हमारे महेश और बिल्ली भाई। तो भाई आप इसके पंजे दिखा दो आप, ये इसके पंजे। तो आते हैं दबाकर चलकर दूसरा पेयर देखने, जो इससे अच्छा होने वाला है, जैसा कि भाई हर छत पे कल्सरों का शौक मिल ही जाता है, यहाँ पे भी एक पेयर है फुल टोपीदार मादिन और भरा हुआ कल्सरा कबूतर है। तो भाई ये देख लो, अगर शौक में समझ में आ, थोड़ा सा भाई पीछे हो ना, ये देखो भाई अब ये धूप में, भाई वाह लाजवाब खूबसूरत। तो पहले नर का शौक करा, ये देख लो भाई कल्सरा कबूतर पीली डोरों में, अगर हमारी खत की हमारे घर की छत होती तो शायद ये हम आपको उड़ा के दिखाते ये कैसा उड़ता है, लेकिन भाई बता रहे हैं कि सूखा 7-8 घंटे भाई, 8-8 घंटे आठ घंटे उड़ते हैं। तो ये देख लो वो नर जो आप शौक कर रहे हो, क्या लाजवाब शौक है भाई, और कबूतर भी बहुत ही प्यारा भाई, बहुत ही प्यारा। तो सभी भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि भाई ज़रूर बताएं ये कबूतर आपको कल्सरा कैसा लगा, कमेंट्स ज़रूर करें, अच्छे करें, और आप लोगों के लिए शौक बनाता हूँ भाई, तो प्लीज़ अच्छे कमेंट्स करें, खुशी होती है, और मैं बैठा रहता हूँ 1-1 बजे तक वीडियो अपलोड करने के बाद कि आपकी कमेंट्स का मैं जवाब दे सकूं। तो पंजे दिखा दो, ये देखो भाई क्या ही पंजे, और ये इसकी पूंछ है, ठीक है जी। तो आते हैं इसकी मादिन का शौक करते हैं, ये देख लो भाई इसकी मादिन टोपीदार, काले डोरों में हल्की फीकी आँखें टोपीदार, ये सामने से इसका फेस कट और ये बॉडी स्ट्रक्चर, क्या कबूतरी है यार बिल्ली भाई, बहुत ही अच्छे जोड़े रख रखे आप ना,
पंजे दिखा दो उसके। और ये पंजे भाई वाह बहुत ही खूबसूरत। एक्स पेयर जो देखने वाले हो भाई साहब बहुत ही प्यारा जोड़ा है। और इस बीच बिल्ली भाई से कुछ सवाल करते हैं जो अनोखा हो सकता है, अनूठा हो सकता है और प्यारा हो सकता है, तो बिल्ली भाई ज़रूर बताना चाहेंगे उसके बारे में। इस पेयर को दिखाते वक्त पूछूंगा। एक लाल जीरा और काली जीरी मादिन का जोड़ा आ गया, मुझे बहुत पसंद है भाई जोड़ा। मतलब हर छत पे मुझे भी एक कोई ना कोई शौक मतलब जोड़ा पसंद आ ही जाता है, जिसमें से एक ये जोड़ा है। तो लाजवाब जोड़ा है, लाजवाब कलर है और आप यकीन करना नर एक नंबर, टू गुड है, मादिन भी टू गुड है। तो आप बताएं कि इसमें आपको कौन सी अच्छी लगी, नर या मादिन, दोनों का शौक कराता हूँ। इससे पहले ये जो हमारे बिल्ली भाई हैं इनकी एक बचपन की बात है जो अभी बातों बातों मुझे पता चली और मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सबके साथ। बिल्ली भाई शौक कराएंगे बाद में, पहले आप अपने उस बचपन की एक बात जो आपने हमसे बताई है सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हर बचपन में जो कबूतरबाज होता है ना वो ये हर काम बंदे ने किया होता है, हर कबूतरबाज ने किया होता है, चाहे वो आज के ज़माने का कोई भी हो। तो एक सेकंड पहले कबूतर देते हैं भाई भैंस के हाथ में, फिर आप बताना भाई वो बात दोहराए जो अभी आपने हमें बताई थी। आज से 17-18 साल पहले पुरानी बात है जी। तो कितनी उम्र रही होगी उस वक्त आपकी? मेरी उम्र होगी कम से कम 13-14 साल का। चलो ठीक है, अच्छी उम्र, 15 साल का उम्र होगी मेरी जी। हम धोबीघाट पे कबूतर पाले थे, मेरे पापा और मेरे मामा ने जी, आसमान से कबूतर उतरा दी बहुत तगड़ा, तो काला जीरा कबूतर था सफेद आँखों का जी। हमारे कोठियों के पास बिल्डिंग बनी थी, मैं से बिल्डिंग पे चला गया, मैं और मैं दोस्त जी पकड़ में पिंटू नाम का लड़का था जी। अभी हम चढ़ते रहे, वो चढ़ तो गए थे उस बिल्डिंग के वैसे, वो जितना मैं हूँ ऐसे मेरे दो तीन बंदे और आ जाए, इतना ऊँचा कबूतर बैठा था जी। वो कबूतर इस तरह से बैठा, वो बिल्कुल टूटा हुआ, कोई भी जाकर उसे पकड़ दे जी। मैं कैसे ना कैसे मेरा दोस्त हिम्मत करके उसे मुझे चढ़ा दिया जी। मैंने उस कबूतर को पकड़ दिया, कबूतर को पकड़ते सारे मैं बैलेंस पकड़े, मैं आधा तो नीचे लटक गया जी, छठी मंजिल और आधा मैं अपना बिल्कुल सही था जिधर बचना था। हाँ जी जी, वो उसमें क्या उस वो मैं बचा गया था। वहाँ पर एक सरिये की लाइन दिल्ली हुई थी, वो सरिया पकड़ कर मैं क्या संकर अपने आपको काबू करा दे, कबूतर छूटने दिए थे। फिर मैं घर पर ही गया जी, घर पर लेकर हाथ में छोड़ दिए, क्या समझता है। फिर मेरी मम्मी बोला आराम जा रहा तुम मर जाता कबूतर को, तेरा क्या जाता, कबूतर तो और भी आ रहे थे जी। मैं ऐसे जी बहुत किस्सा जी, मैंने अगर बताऊंगा तो शाम हो जाएगी, बहुत मैं शाम ही हो जाएगी इस बात को। तो भाई देख लो बिल्ली भाई के कारनामे, और हर बंदा करता है यार, मतलब मे भी जितने भी बचपन में कबूतरबाज बने उन्होंने काम किया, और आप देखो मरना मंजूर था कबूतर नहीं छोड़ा भाई ने। तो शौक कराता हूँ पहले आपको नर का। तो ये थे बिल्ली भाई जिन्होंने अपनी सच्चाई आज सबके सामने बयां कर दिया, मज़ा आएगा अगर आपने पूरी वीडियो देखी। तो ये आ गया जी कादली गहरी आँखों में लाल जीरा कबूतर, सफ़ेद जीरा भी कह सकते हो क्योंकि हल्की हल्की लाल शीट है, तो मैं इसलिए लाल जीरा कह रहा हूँ। इसकी आँखों को और करीब से जाकर ये देखो भाई क्या बात है। और सबरजीत भाई हर वीडियो में आपका नाम लेना चालू कर दूंगा आपसे, दिल से धन्यवाद, दिल से मतलब रूह से भी अंदर से दिल से धन्यवाद आपका। आप मात्र एक ऐसे बंदे हो कि अगर मैंने 500 वीडियो अगर आपने देखी तो 500 आपका जो कमेंट्स होता है वो 500 बार ही होगा, और भाई आपकी जगह जो है ना मेरे दिल में है। और भाई मैं आपकी ना क्या ही तारीफ़ करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आप बहुत ही मतलब आप शौक के मामले में लाजवाब आदमी हो यार, टू गुड। तो आपको हमेशा जब तक जिंदा हो तब तक याद रखूँगा, क्योंकि आपकी मोटिवेशन के कारण, आपके उस एक कमेंट्स के कारण मेरा दिल करता है कि मैं जाकर आप लोगों के लिए शौक बनाऊँ। तो ये इसकी आंखें देख लो भाई, बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत आँखें हैं। ये नर सामने से इसका बड़ी स्ट्रक्चर, लाल जीरा कह सकते हो, काला कह सकते हो, जैसा आपको समझ में आई। ये देख लो सामने से पंजे दिखा दो बिल्ली भाई इसके, ये देख लो भाई इसके पंजे, करीब चल के देखते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो बिल्ली भाई आपने बच्चे उड़ाए इनके? उड़ाए नहीं, एक बच्चा है इसका। अच्छा अभी आया? हाँ अभी आया, अब वो पता चलेगा जब उसका रिजल्ट पता चलेगा। चलो मादिन अच्छे उड़ता है जी, बच्चे का रिजल्ट भी अच्छा होगा। हाँ मादिन दिखाते हैं। तो ये देख लो भाई हल्की सी आँखों में मादिन है, बहुत ही प्यारा चेहरा मोरा इसका, बहुत ही लाजवाब। आप शौक कर रहे हो जीरी मादिन का, पीली डोरे हैं क्योंकि जोड़ों में आ गए तो पीलापन ख़त्म हो ही जाता है, उड़ते वक्त कबूतर अपनी गुलाबी या पीली या काली डोरे बना लेते हैं। और हर कबूतर अच्छा होता भाई, किसी को हटाने से पहले अपने दिल से एक बार ज़रूर पूछे कि मैं इसे पहले लाया ही क्यों था जो आज हटाना पड़ रहा है। ठीक है जी, तो वो चीज़ लाए जो आपके शौक में हो, किसी कहने पे शौक ना कीजिए, ना बनाइए कल को पछताना पड़े कि मैंने 5 का लिया था, 10 का लिया था या 2000 का लिया था और आज हटाना पड़ रहा है 200 रुपये में। तो वो कबूतर लीजिए जो आपके शौक में हो, चाहे वो कूड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि अपना शौक अपना होता है। या फिर किसी उस्ताद के अच्छे शागिर्द बनिए, वो आपको पेयर देंगे, उनके बच्चे बनाइए और उनको उड़ाइए। तो भाई ये मादिन, ये देख लो बेड़ी दर मादिन है, यानी कि पीछे से जिसके यहाँ से आई होगी या जहाँ से परचेस की होगी वो अच्छे लेवल पे कबूतरबाजी करते हैं। अजय नाम है ठीक है, ये देख लो भाई। अब हाँ अब आपको कराता हूँ नेक्स्ट पेयर।
सबसे खतरनाक जोड़ा जो आज की डेट का लाजवाब हरे मकोई लोग बहुत पसंद करते हैं, और इतने बड़े थोबड़े में महेश भाई कहाँ से आए, कैसे आए ये बताओ जरा आप। भाई एक हमारे मित्र है पंडित जी बदरपुर बॉर्डर, ये मादिन मैं वहाँ से लाया था खरीद के। इस मादिन के चक्कर में, ये मुझे मादिन बहुत पसंद थी, इस मादिन के चक्कर में मैंने वहाँ से 21 कबूतर खरीदे। अरे वाह, और ये नर देख लो आप, तोते टाइप का नर है भाई। अगर हम ले जा सकते तो ज़रूर ले जाते इसको, लेकिन भाई कोई शौक से लाया है, ईमान से लाया, दिल से लाया। तो मेरा कहने का मतलब इस वर्ड से ये था कि भाई लोग आप छतों पे जाओ शौक करो, और जिसका शौक उसका शौक जो है वो मांग के ना लाओ, अगर वो खुद दे रहा है तो लेना चाहिए वरना नहीं लेना चाहिए। तो ये महेश बाबू मैं इस आपके द्वारा सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग अपनी छतों पर शौक अपने लिए रखते हैं, लोग जाके जो ज़बरदस्ती करते हैं ना यार दे 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 दे, वो नहीं करना चाहिए, उससे दिल दुखता है, पीठ पीछे बड़ा बुरा सा लगता है उसको। तो मैं ये बात अपने थ्रू समझाना चाहता हूँ हर उस भाई को जो लोगों की छतों पर जाके शौक को उसके मांगने लगता है। नहीं, आप उसके प्रेम भाव को समझो, अगर वो देता है तो वैसे ले आओ, अगर नहीं देता है तो आप नहीं लाओ। तो ये हमारे महेश बाबू है, और ये देख लो भाई हरे मकोए मैं शौक कराता हूँ पहले नरका, और भाई ये देख लो पेप्सी आँखों में कबूतर है, मकोया नहीं कहेंगे, लग रही होगी पीली डोरों में, बहुत ही प्यारा थोबड़ा है, लंबा बिल्कुल खींचा हुआ, कोई बीच में गैप नहीं है जो यहाँ होता है, जो टेढ़ा होकर ऊपर से नीचे हो जाता है, नहीं ये सीधा। और भाई ये कबूतर लाजवाब है, सामने से इसका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल वी शेप में होगा कबूतर, भाई देख लो आप, पंजे दिखा दो भाई, और ये इसके पंजे, बहुत ही लाजवाब यार, उड़ान की चीज़ें रख रखी है महेश भाई, क्यों ना हो आपके मोहल्ले में आपका नाम जब कर रखा छत पर आपने सारा इंतज़ाम। भाई जोड़ के बच्चों का भी शौक करा देंगे आपको, ठीक है? बच्चे एक दो काले के भी दिखाने, जो पिलखे दिखाए थे मैंने जी भाई, वो टोपीदार है ना जी, तो मादिन दिखा दो। ये वो मादिन है जिसने अपने चक्कर में 20+1 करके 21 कबूतर खरीदवा दिए। तो ये शौक है मेरे दोस्तों, जब कोई चीज़ पसंद आती है तो फिर पैसा नहीं देखा जाता, और भाई एक के बदले में 20 और लाने पड़े तो ले ही आए। तो ये भाई का शौक है, बहुत ही लाजवाब, मैं लास्ट में इसलिए दिखा रहा हूँ, इसके पर देख लो शायद कटे हुए, लेकिन आप फिर भी देख लो, ये देख क्या पर है यार लाजवाब। पंजे दिखा दो मैं, और ये देखो भाई पंजे नेक्स्ट पेयर पे आते हैं, और भाई ये देखो आपको कासनी अनारा दिखा रहा हूँ जो मुझे बहुत पसंद है छत पे, लाजवाब कबूतर है यार, दिल खुश हो गया इसको देखने के बाद, अनारा कबूतर है, और अनारे बहुत अच्छे लगते हैं भाई मुझको, ये देख लो क्या कबूतर है यार, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया भाई यार आपके शॉप को देख के ना, मज़ा आ गया। ये मद्रासी कबूतर पीली डोरों में, और ये इसके साथ सफ़ेद जीरी लगा रखी है, पहले नर का शौक करते हैं। ओश ये इसके पंजे, आप सब बिल्ली भाई ये बात मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बिल्ली भाई ये आपके कबूतर आपसे तो नहीं डरते ना? नहीं नहीं भाई, मैं बहुत सौ कभी जिंदगी में हमने सोचा नहीं था कि हम अपने कबूतर उड़ाएंगे, ये हमने उस टाइम में कबूतरबाजी की नॉलेज नहीं थी, हम किसी कबूतर 2000 का भी ले लेते थे, 2500 का भी ले लिया, ऐसे ले लिया, मतलब फिर हमने यूट्यूब पे ग्रुप के अंदर जुड़े, ग्रुप के अंदर फिर हमने कबूतर देखने चालू करे, मतलब आज हम कबूतर देख देख के ऐसा ऐसा कबूतर रखा हुआ है कि हमने अपनी छत पे खुश हो गया दिल है ना, बोल मैं उनकी छतों पे तुम पे नहीं देती, जल्दी से नहीं मिलेंगे, जल्दी से पंजे दिखा दो इसके, ऐसे ये देख लो भाई पतले लंबे पंजे हैं, और अब दिखाता हूँ उस टोपीदार पिलखों के बच्चे, भाई ये देखो दो चोटीदार काले पिलखे दुआज बच्चे, ये उसी पिलखे के हैं जो उसी का चाने के हैं जो मैं कहता हूँ इनके बच्चे दिखाऊंगा, और ये वो बच्चे हैं जिनके लिए महेश भाई कहते हैं कि 10 दिन तक भी इंतज़ार किया जा सकता है, बच्चे घर आते हैं। तो आप देख रहे हो, इसी के साथ भाई सभी भाइयों से इजाज़त लूँगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और बहुत ही अच्छा पार्ट बनाऊँगा, और अब तो अच्छे अच्छे पार्ट्स आने वाले हैं जिनको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो महेश भाई आप आ जाओ इधर भाई, यहीं से स्टार्ट करेंगे, और तो सभी भाइयों से इजाज़त लेंगे। ये हमारा आखिरी पेयर था, ये हमारे विनोद उर्फ बिल्ली भाई, ये हमारे महेश बाबू, मैं बहुत बार महेश भाई कहते कहते बाबू कह देता हूँ, ये यूपी की थोड़ी सी भाषा आ ही जाती है मुँह पर, महेश के साथ बाबू लगता हो बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं कह देता हूँ। तो ये देख लो वो बच्चे जो आपको मैं कहता दिखाऊंगा ज़रूर, महेश भाई और ये हमारे बिल्ली भाई। तो थैंक यू, आपने मुझे अपनी छत पे बुलाया, और आप एक छोटा सा संदेश हमारे कबूतरबाजों के लिए। तो महेश भाई बीच में रुक गया था, क्या कहना चाहेंगे आप? अनिल भाई ये कबूतरबाजी जो शौक है जी, ये प्यार का शौक है,
और इसको ना बड़े प्यार से बना के रखो। जो आपकी यारी दोस्ती है, भाई बंधु हैं, उनसे ही इन कबूतर के लिए ना आपसीदारी, भाई बंदी, इन चीज़ों को खराब ना करें। तो तोलना नहीं, आज है कल नहीं है, लेकिन भाईचारा हमेशा रहेगा। तो मेरा बस यही छोटा सा संदेश है कि आपसी यारी दोस्ती को इनके लिए कभी भी खराब ना करें। मतलब कबूतरबाजी को इंसानियत से नहीं तोलना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा एक संदेश है महेश भाई की तरफ से। दिल्ली भाई ने अपने बचपन की बात बताई, मैं ता उम्र जब तक रहूँगा याद रखी जाएगी कि छोटे से पैदा हुए थे इसलिए बिल्ली से बिल्ली हो गए, और एक कबूतर पकड़ने के लिए कम से कम 1.5 मंजिला ऊपर चढ़ गए और 6 मंजिला गिरने वाले थे। तो यहीं पर समाप्त करूँगा। ये भाई का लॉफ्ट दिखा देता हूँ, अंदर बैठ के दिखा देता हूँ। भाई बंद कर लेना। ये देख लो भाई, इस छत की जो लॉफ्ट है ये सामने देख लो, ये नर का है और इधर मादिनों का है। मतलब अभी फ़िलहाल सारे मिक्स हैं, नर मादिन इकट्ठे छोड़े हुए। आप देख लो क्या ही बैठ गए। ये देखो आप हरे कबूतर को, ये एक छोटीदार कबूतर है, इसको मैं आपको रील्स में दिखाऊंगा और आप बताना कि आपको ये कैसे लगे, ये देखना भाई। थोड़ा करीब चलते हैं। ये पीली मादिन नहीं दिखाई, दिखानी थी, लेकिन अब आप ऐसे देख लो कितनी खूबसूरत है। बैठक देखो आप इसकी, लाजवाब भाई, बेमिसाल। काले पिलखे देख लो आप, और एक अंबसिरा बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब। ठीक है जी, ये यहाँ उड़ता हुआ कबूतर है। आपने मद्रासी बहुत देखे चैनल पे, आज आप लाल अंबसिरा देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत, मज़ा आ गया जी इसे देख के, बेहतरीन बेमिसाल। और ये नीचे देख लो भाई कबूतर। तो इसी के साथ आप सभी भाइयों से इजाज़त लूँगा, जय हिंद जय भारत कहूँगा, और भाई बने रहें मेरे साथ, आएँ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। भाई आपके करने मात्र से मेरा दिल जो है ना बहुत खुश होता है कि हाँ भाई आपके लिए कुछ ना कुछ करना है। ये मादिन देख लो आप, तुलसन आपको कल सारा दिखाई दिया। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में किसी अच्छे कबूतरबाज के यहाँ, किसी अच्छे खिलाड़ी के यहाँ, जो अपने शौक़ को लाजवाब लेवल पे करता है और लोगों से ये कहता है कि भाई आप अपना शौक़ कीजिए और शौक़ अच्छे लेवल पे कीजिए और लड़ाई झड़ाई से दूर रहिए। ठीक है जी, ये देखो इस कबूतर की कंपन, आप अच्छे कबूतर की पहचान होती है। तो जय हिंद जय भारत।